ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है, ये हमारी शादी हो रही है। Hey guys, welcome to the my YouTube channel. जो भी आपने वीडियो देखा उस वीडियो को मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो चलते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम लोग जो वीडियो एडिट करेंगे वो कैपकैट एप्लीकेशन में। आप कैपकैट एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ से आप कैपकैट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहाँ VPN भी मिल जाएगा। उसके बाद ओपन करने के बाद कुछ उस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद ये न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपने को फोटो ले लेना है, करीब अपने को 5 फोटो लेना है, तो ले लेना है फोटो। तो फोटो कैसे लेना है, पहले अपना फोटो लेना है, फिर हस्बैंड का फोटो लेना है, फिर मैरिज वाला फोटो लेना है, ठीक है। लेने के बाद ये ऐड लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये ऐड आईडियो लिखा है इस पर क्लिक करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में आईडियो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आईडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ साउंड लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्लस का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आईडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैच कार्ड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। अपने को बीट लगाना है, तो बीट कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ, और आपको बीट का टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लगा लीजिएगा बीट। ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है, ये हमारी शादी हो रही है, शादी हो रही है। को बीट लगाने के लिए ऐड बीट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बीट लग जाएगा। उसके बाद राइट के सन पे क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद क्या करना है, जितना बीट है उस हिसाब से आपको फोटो को जमाना है। तो मैं जमा लेता हूँ फोटो को सबको, ये अपना हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से एनिमेशन लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉम्बो में चलना है और आपको स्क्रॉल करना है, सर्वे इन लिखा है इस पर क्लिक करना है आपको। फिर सेकंड वाले फोटो पे सर्वे इन वाला लेंगे। उसके बाद तीसरा फोटो पे हम लोग पेंडुलम 1 लेंगे और चौथे फोटो पे पेंडुलम 2 लेंगे और पाँचवे फोटो पे पेंडुलम 1 लेंगे। उसके बाद लेने के बाद राइट साइड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको फोटो पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है और ये निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है, यहाँ फ्रेम लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 रेशो ले लेना है। ये हो चुका है। उसके बाद फोटो को सारा आपको जमा लेना है अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मेरा ये वाला फोटो है, इसको जमा लेता हूँ। ये हो चुका है, जम चुका है। उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ निशान दिख रहा है ऊपर में, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग फ्रेम रेट बढ़ा देंगे। फ्रेम रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको वीडियो का क्वालिटी अच्छा रहेगा। उसके बाद स्पॉट लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे, अपना वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।